नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बढ़ते कोरोना मरीजों के कारण डीएम ने शहर को किया लॉकडाउन। बलिया में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या और शहर में दो कोरोना मरीजों के मौत के बाद बलिया डीएम ने बलिया शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 10 जुलाई तक धारा 144 के तहत लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाँच भी किया जाएगा। बलिया में कोरोना मरीजों के ग्राफ को देखते हुए जिला प्रशासन ने 10 जुलाई तक बलिया व उसके आसपास के क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। पिछले एक महीने में बलिया शहर व उसके आसपास के इलाके में कुल 50 केस आए, जिनमें से दो पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। वहीं पूरे जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या 154 पहुँच चुकी है। दरअसल पिछले 10 दिनों के अंदर 65 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नगरी क्षेत्र में कोरोना की खतरनाक स्थिति बनी हुई है। लिहाजा बलिया के जिलाधिकारी श्री हरि प्रताप शाही ने 10 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। पेशे बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। जनपद में कोरोना बड़ी तेजी से पिछले 10 दिनों में केसेस बढ़े हैं। जैसा मैंने बताया कि 11 मई को हम लोग 0 पर थे, 31 मई को 50 पर थे और आज की डेट में 154 है। और उसमें भी पिछले 10 दिनों में केवल 65 पॉजिटिव केस आए हैं। बड़ी तेजी से ये संख्या बढ़ रही है और उससे अधिक चिंताजनक ये है कि नगरीय क्षेत्र, खास करके जिला मुख्यालय का जो शहर है बलिया और उसके आसपास के क्षेत्र में 42 से अधिक लोग न केवल पॉजिटिव हुए हैं, बल्कि कल और आज मिला करके दो व्यक्तियों की डेथ हुई है। एक की बनारस में हुई है और एक की अपने घर में हुई है, जिनकी मृत्यु के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि। इस गंभीरता को देखते हुए एक और चीज मैं बताना चाहूँगा कि 42 में 30 लोग स्थानीय लोग हैं जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब यहाँ के लोगों पर भी वो फैलाव बढ़ने लगा। हालांकि वो मैक्सिमम लोग जो ट्रेवल हिस्ट्री वाले थे उनके परिवार के ही लोग हैं उनके पास, तो इस कारण ये आवश्यक हो गया है कि नगर क्षेत्र में फैलाव को रोकने के लिए पूरी शक्ति के साथ 10 दिन का एक बंदी, खास करके मार्केट और व्यापार में बंदी, आवागमन में बंदी किया जाए और उस बंदी के समय का उपयोग हम लोग करें एक एक घर को सर्वे करा करके ट्रेस करने में, ऐसे वल्नरेबल केसेस को ट्रेस करने में, संदिग्ध केसेस को ट्रेस करने में, जिससे उनको आइसोलेट करके और इसको, इस गति को रोका जा सके।